सो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। और आप जानते हैं कि बिहार में है 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम। 4 साल के ग्रेजुएशन के सिस्टम में पहला जो सेमेस्टर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं, चाहे वो आपका बीए का पहला सेमेस्टर हो, बीएससी का हो या फिर बीकॉम का हो, पहले सेमेस्टर में स्टूडेंट को अक्सर ये कन्फ्यूज कर रहा है कि कितना नंबर लाना है ताकि दूसरे सेमेस्टर में जा सके। यानी दूसरे सेमेस्टर में जाने के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, इसको लेकर के आज मैं ऑफिशियल जो पीडीएफ है, जो ऑफिशियल कंटेंट है, जहां से इस चीज को बताया जाता है कि स्टूडेंट को मिनिमम पी ग्रेड लाना है। पी मतलब पासिंग ग्रेड लाना है। पासिंग ग्रेड क्या है, कितना नंबर आना चाहिए, मेजर में, माइनर में, मल्टीडिसिप्लिनरी में, एसीसी पेपर में, कहने का मतलब स्टार्टिंग टू एज ए टू जेड आपको पूरा का पूरा बात हम समझाएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि पीडीएफ में क्या कहा गया है पासिंग मार्क्स को लेकर के, सीजीपीए कैसे बनता है, कितना आपका आ जाए कि आपका कल्याण हो जाए, पूरा बात करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको दिखाते हैं क्या है बिहार में ग्रेजुएशन के पहले सेमेस्टर में पासिंग का मिनिमम क्राइटेरिया। हमारे पास एक पीडीएफ है और ये पीडीएफ क्या बताता है, ये पीडीएफ इसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बताता है। ये रहा पीडीएफ, जिस पीडीएफ में सारी बातें बताई गई है कि बिहार में ये जो ग्रेजुएशन चल रहा है, जो नया जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। पीडीएफ के पहले पेज में हम है, पीडीएफ के अगर आप 15वें पेज पे आइएगा, ये पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। ये पीडीएफ हो सकता है आपके पास हो भी पहले से, तो इस पीडीएफ के 15वें पेज पे आइएगा। जैसे ही आप 13, 14, ये रहा अपना 15th पेज। जैसे मैं 15वां पेज पे आया हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जूम आउट, जूम इन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा सही से। इसमें आप जैसे ही आइएगा 15वें पेज में आने के बाद, यहाँ पे एक बात बताया गया कि एग्जामिनेशन देने के बाद आपके साथ होता क्या है। तो 15वें पेज में आइएगा, यहाँ आ जाइएगा। आने के बाद देखिए, ये बताया गया एक पॉइंट है, आफ्टर अपियरिंग एट द इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, यानी अगर आप इंड सेमेस्टर के एग्जाम में बैठते हैं तो पासिंग का क्या क्राइटेरिया है। Then what be the declaration, आपको किस सिचुएशन में जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो रिजल्ट के डिक्लेरेशन में पासिंग क्राइटेरिया क्या है। देखिए क्या बताया जाता है, टू बी डिक्लेयर्ड पास्ड इन द इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, यानी कि कहने का मतलब इंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में अगर आपको पास होना है भाई, तो एक कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट पी ग्रेड एज मेंशन्ड इन द टेबल 4, यानी स्टूडेंट को पी ग्रेड तो लाना ही लाना है। अब पी ग्रेड का मतलब क्या होता है, तो पी ग्रेड का मतलब होता है पासिंग ग्रेड। पासिंग ग्रेड कितना को कहते हैं ये समझ, जैसे ए ग्रेड आप जानते हैं, ए प्लस जानते हैं, 90 से प्लस आएगा ए प्लस है, ए है, बी है, बी प्लस है, सी है, इस तरीके से कई सारे ग्रेड अपने स्कूलिंग के टाइम में सुना होगा। इस 4 साल के ग्रेजुएशन में उतना लंबा चौड़ा ग्रेड नहीं है, लेकिन कुछ ग्रेड बनाया गया। अब ये किसमें कहता है, टेबल 4 में देख लेने को, चलिए टेबल 4 में चलते हैं और टेबल 4 में आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ प्रमोशन का भी रूल बताया गया कि किस सिचुएशन में स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा। ये वाला प्रमोटेड वाला जो कंडीशन है, इसको लेकर मैंने अलग से वीडियो बनाया था, आप उसको देख लीजिएगा, उसका आई बटन में लिंक दे देंगे या फिर वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या बिहार में प्रमोशन का रूल है। बात कर लेते हैं ग्रेडिंग के लिए, चूंकि कह दिया है कि पी ग्रेड आना चाहिए कम से कम, ये रहा। अब पी ग्रेड किसको कहते हैं, देख लीजिए यहां पे कुछ ग्रेड बनाया गया है। ग्रेड में पहला ग्रेड क्या है, फर्स्ट ग्रेड, ओ ग्रेड। ओ ग्रेड कहा गया है कब, तो 90 से 100 के बीच में रहेगा ओ ग्रेड, और इसको ग्रेड के पॉइंट में देता है। ये होगा लेटर का ग्रेड, यानी ग्रेड को कैसे कहेंगे, ओ ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, ए ग्रेड, बी प्लस ग्रेड, बी सी पी एफ ए बी, इस तरीके से इतना सारा ग्रेड है, सबका अपना अपना मतलब है। पास होने के लिए सिंपल सा कहानी है क्या कि आपको लाना है पी ग्रेड। पी ग्रेड कहे का मतलब क्या है कि 45 से 50 के बीच में होना चाहिए नंबर, तब आपको मिलता है पी ग्रेड, यानी पासिंग ग्रेड, यानी पास कर गए। तो यही है कंडीशन कि 45 से 50 के बीच में एवरेज नंबर लाइएगा, मिनिमम 45। देख सकते हैं क्या लिखा है, पी ग्रेड का मतलब क्या होता है, पी ग्रेड का मतलब होता है मोर देन 45 या इक्वल टू 45, यानी 45 आ जाए, 45 से ज्यादा आ जाए, बहुत अच्छा बात है, पास कर जाइएगा। यह है पी ग्रेड का मतलब, और इसको बताया गया कि पी ग्रेड का मतलब पास। अब लेकिन इससे अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपका रहता है, सबसे अच्छा रहा था, ओ ग्रेड आपको मिलेगा, मतलब आउटस्टैंडिंग। अगर आपका ग्रेड रहा 80 से 90 के बीच में आपका नंबर आया, तो आपको मिलेगा ए प्लस ग्रेड। अगर आपका नंबर रहा ए, अगर आपका नंबर रहा 70 से 80 के बीच में, तो आपके मिलेगा ए ग्रेड। अगर आपका रहेगा 60 से 70 के बीच में, तो मिलेगा आपको बी प्लस ग्रेड, इसके लिए 7 ग्रेड पॉइंट मिलता है। सेम एज, अगर आपको एवरेज, मतलब अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, तो 50 से 55 के बीच में आने के मिलता है, मिलने के बाद आपको मिलता है सी ग्रेड। और यहाँ पे सबका मतलब है, व्हाट बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रेड, ग्रेड का डिस्क्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग, एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड,
एबव एवरेज, एवरेज, पास फेल। और अगर आपका 45 से जो अगर आपका 45 से कम रह गया तो आप हो गए फेल, फिर आप पे लग जाएगा प्रमोशन का क्राइटेरिया, यानी आपको प्रमोट करके सेकंड सेमेस्टर में भेजा जाता है। हालांकि सबको सेकंड सेमेस्टर में नहीं भेजा जाएगा फेल होने पर, कुछ कंडीशन, अगर कंडीशन को फॉलो कीजिएगा तो उसमें अटेंडेंस वाला मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका अटेंडेंस ठीक ठाक रहा और अगर वो बच्चा फेल कर गया तो ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि बच्चा तो पढ़ा, बच्चा क्लास दिया लेकिन फिर भी फेल कर गया, इसका मतलब आप उसको सेकंड सेमेस्टर में भिजवा दीजिए और जब पहला सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो सप्लीमेंट्री देकर के वो पहले से फिर सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम को क्लियर कर लेगा। यानी बच्चा का इसमें कोई गलती नहीं, कॉलेज के द्वारा वैसा कुछ होगा या पढ़ाई का ठीक ठाक स्तर नहीं होगा जिसके कारण उसको क्या लग गया, फेल लग गया। तो अगर आप कम से कम क्लास कीजिएगा तो फेल होने के बाद भी आपका कल्याण का तरीका है, अगर क्लास नहीं कीजिएगा तो कोई उपाय नहीं है, बैक लग जाएगा और फिर आपका 6 महीना गया। ये कंडीशन है, अगर 45 से कम लगेगा तो भाई फेल हो जाइएगा, और अगर आप एब्सेंट कीजिएगा तो ए बी वाला ग्रेड लग जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा ए बी, मतलब आप एब्सेंट हो गए थे, एग्जाम देवे नहीं किए थे। तो ये कुछ कंडीशन है आपके पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के, और ये वाला कंडीशन को एक यूनिवर्सिटीज के लिए काम करेगा नहीं, तो अपना विशेष दिमाग लगाइएगा नहीं, ये सारे यूनिवर्सिटीज पे काम करेगा, चाहे पटना हो, पाटलिपुत्र हो, मुंगेर हो, ललित नयन हो, वीर कुंवर सिंह हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, जयप्रकाश छपरा यूनिवर्सिटी हो, सारे के सारे यूनिवर्सिटीज पे ये नियम काम करेगा। तो इसको आप देख करके आप डिसाइड कर लीजिएगा, अपने दिलो दिमाग में फिट कर लीजिएगा कम से कम कितना लाना है इसको पास करने के लिए। तो कम से कम कितना लाना, ये वाला बात आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपके लिए क्लियर रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब आप करते रहे देखते हैं बस वीडियो को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट इसी तरीके का मिलते रहे। फिलहाल मैं इस वीडियो की जर्नी को यहीं पे एंड करता हूँ, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, थैंक यू।